पीटरसन को ले आइए, कम ऑन, चलो चलो आ जाओ नेक्स्ट। आपका परिचय दीजिए प्लीज, कहाँ से हो, नाम क्या है? सर मैं बिहार का हूँ और मेरा नाम बीरेंद्र है और मेरे दो बहन हैं, दो भाई हैं और मेरे माता पिता हैं जो कि बहुत बूढ़े हैं और कमाने में भी असमर्थ हैं। आप कितने साल के हो? मैडम जी हम 19 साल के हैं। ये मंच क्या मायने रखता है आपके लिए? सर यह मंच हमारे लिए बहुत मायने रखता है सर, क्योंकि मुझे अपना घर बनाना है। एक्चुअली सर मेरे पिताजी 20 साल से ऑटो चलाते हैं और मेरी माँ स्कूल में जाकर झाड़ू पोछा लगाती है सर, और मेरा भाई चाय बेचता है सर। और मेरा घर पतरे का है और पानी टपकता है बारिश के समय। उस घर में बहुत दिक्कत होता है सर रहने में, सर मेरे पिताजी अपने घर को बनाने के लिए ऑटो तो चलाते थे, उसके साथ साथ उस टाइम निकाल कर नदी के किनारे जो बालू होता है ना, उस बालू को जमा करते थे, इकट्ठा करते थे और उससे जो भी पैसा प्राप्त होता था ना उसे जमा करते थे। अच्छा। लेकिन सर मेरे पापा के भाई ने पापा से कहा कि मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मेरे पापा ने बिना सोचे समझे पैसा उनको दे दिया और वे पैसा लेकर भाग गए। जब वो पैसे लेके भाग गए तो बहुत ही हमारी हालत ख़राब हो गई। 14-15 साल से मैं पाए पाए इकट्ठा करके मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया था, अभी फिर 14-15 साल मेहनत करूं तो वो उम्र मेरी नहीं रही। ऐसा लगता था कि मैं कुछ ना कुछ आत्महत्या करूं या कुछ घर छोड़ के जाऊं। तो पापा आज भी उस पैसे की वजह से आज भी ऑटो चलाते हैं। काम कर रही हैं ये तो बहुत अच्छी और बड़ी बात है। तो आपने ये यहाँ आने का क्या कब डिसाइड किया, कैसे डिसाइड किया? सर मैं क्या बताऊँ सर, मेरा एक ड्रीम था कि मैं अपने म्यूजिक की दुनिया में अपना नाम कमाऊं और अपने सपनों को मैं साकार करूं, और मेरा स्थिति भी लाचार था और गरीबी भी इतना ज़्यादा था कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा था सर। और मैं चाहता हूं सर कि मैं इस इंडियन आइडल के मंच पे आया हूं ना, तो मैं इस इंडियन आइडल के मंच की वजह से मैं अपने घर की बेबसी और स्थिति और लाचारी को मैं दूर करना चाहता हूं। जिस तरह मेरे परिवार आज दो वक्त के रोटी के लिए तरसता है ना, वो तो रोटी के लिए जो तरस रहा है मैं उसको दूर करना चाहता हूँ सर, अपना घर को बनाना चाहता हूँ। मेरा यही एक सपना है सर और मैं इस सपना को साकार करने के लिए ही मैं इंडियन आइडल के मंच पे आया हूँ सर। तुझे बुलाए। इस मंच पे ना बड़े बड़े सपने साकार होते हुए देखे, बहुत बड़े बड़े सपने साकार होते हुए। और धर्मेंद्र आपके भी सपने जो है ना, आपके परिवार का सपना यहाँ पे जरूर साकार होगा। अब तो दिन बदल गया आपके घर के धर्मेंद्र, आप इस मंच पे आ गए हो और आपके घर पे तो नचपन का त्योहार अभी आ गया, पूरे साल चले। बहुत अच्छा सा कुछ गा दो यार, हम तरस रहे हैं। रेडी हो? कम ऑन, रॉक एंड रोल।